मुरादाबाद स्टोरी आइडिया कलेक्टरेट पर भाजपा युवा मोर्चा ने अखिलेश यादव का पुतला फूंका। मुरादाबाद भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा नेता अभिषेक कुमार के नेतृत्व में अखिलेश यादव का पुतला फूंका गया, जिसमें उन्होंने विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि अखिलेश यादव की मानसिकता हिंदू विरोधी है। वह सनातन धर्म के विरोध में कार्य कर रहे हैं और हिंदू मठों और मठाधीशों के खिलाफ बयानबाजी पर हिंदुओं में आक्रोश है, जिसके चलते हिंदुओं का सब्र बांध टूट चुका है और उन्होंने सनातन धर्म से अपना अस्तित्व समाप्त कर लिया है। अब अखिलेश यादव हिंदू नहीं है, उन्हें मौलाना अखिलेश यादव के नाम से जाना जाएगा। अगर वह मुसलमान के विरुद्ध ऐसी बयानबाजी करते हैं तो उन्हें इस बात का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस मौके पर अनेक युवा मोर्चा के भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपको पता है कि विगत दिनों समाजवादी पार्टी के मुखिया, पूर्व मुख्यमंत्री जो है उत्तर प्रदेश के, उन्हें अब अखिलेश यादव कहना ठीक नहीं है, इसलिए हम उन्हें मौलाना अखिलेश कह रहे हैं, क्योंकि उनकी मानसिकता इतनी ख़राब हो चुकी है कि वह सनातन धर्म के इतने विरोधी हो चुके हैं कि वो हमारे हिंदू धर्म के जो मठाधीश हैं उनकी तुलना माफियाओं से करते हैं। आज हमारे प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर हमारे मुरादाबाद महानगर के युवाओं ने, युवा मोर्चा के नेतृत्व में आज फैसला किया कि हम अखिलेश यादव के पुतला दहन के माध्यम से अपना विरोध दर्ज कराएंगे और अखिलेश यादव को बताना चाहते हैं कि अगर उनमें दम है, अगर वो दम रखते हैं तो जिस प्रकार वो हिंदू धर्म के मठाधीशों पे कमेंट कर रहे हैं, कभी मुसलमान धर्मों के मौलानाओं पे अपना एक कमेंट करके देखें, कन्हैया लाल की जैसे गर्दन उतारी गई है, मुसलमान धर्म उनकी गर्दन उतारने का काम कर देगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि करोड़ों मदरसे हैं पूरे देश में, उनमें अनेकों आपराधिक गतिविधियाँ चल रही हैं, कभी अखिलेश यादव के मुँह से उनके खिलाफ एक शब्द नहीं निकलता, क्योंकि वो उनको अपना वोट बैंक मांगते हैं। हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को गाली बककर वे चाहते हैं कि उनका मुसलमान वोट बना रहे, लेकिन अब ये सनातन धर्म के हम प्रेमी भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जब जब अखिलेश यादव जैसे संगीन मानसिकता के बीमार लोग इस तरीके के तथ्य देने का काम करेंगे, हम सड़क से लेकर संसद तक उनका मुँह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। अच्छा, अभी आपने मौलाना कहा, मौलाना देखिए, कोई भी हिंदू धर्म का व्यक्ति जो सनातन को मानता है या सनातन धर्म को के लिए प्रति दिल में आस्था रखता है, कभी वह अपने मंदिर के मठों के मठाधीशों के बारे में इस तरीके के बयान नहीं देगा। भले ही वो एक राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी से वो घृणा करते हैं, सनातन धर्म से वो घृणा करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से घृणा करते करते, भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते वो हिंदू धर्म के और हमारे मठाधीशों के, हमारे सनातन धर्म के विरोध में आ गए, ये चीज़ हिंदू धर्म बर्दाश्त नहीं करेगा। और जब कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के प्रति इतनी घृणा रखता हो तो उस धर्म से उसका बहिष्कार कर देना ही जरूरी है। आज ये जो पुतला दहन करा है, आज अखिलेश यादव का हिंदू के रूप में जीवन समाप्त हो गया, आज से उन्हें भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मौलाना अखिलेश के